जिस तरह से पार्टी का जनाधार बढ़ा है और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा की कर्मठता से जिस तरह से लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, मुझे खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंट्रेटर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सम्मानीय जोशी दोषी जी, आज सुशील दोषी जी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ऑनलाइन उनके ही फ़ोन से मिस्ड कॉल के माध्यम से वो सदस्य बने हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, पार्टी में उनका स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय सुशील दोषी जी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने से न सिर्फ पार्टी को लाभ होगा बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दोषी जी जैसे व्यक्तित्व से नैतिक बल और प्रेरणा मिलती रहेगी। जो सदस्यता लेने वाले की जाति पूछी जा रही है? कोई जाति नहीं पूछी जा रही, आप लोग तिल का ताड़ मत बनाइए। सामान्य रूप से एक फॉर्म है, उस फॉर्म में ये लिखा गया है उनके बारे में कि वर्ग क्या है, सामान्य है, ओबीसी है या क्या है, जाति नहीं पूछी जा रही है। और वो ऑनलाइन उपलब्ध है, फॉर्म प्रिंट में भी उपलब्ध है और उसके आधार पर उनका एक रिकॉर्ड बना रहे वो हो रहा है। देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि सेंसेक्स के आगे बढ़ने से कोई देश उन्नति कर रहा हो ये आप नहीं समझ सकते। मुझे लगता है कि देश आगे तब बढ़ता है जब आप गुणीजनों का सम्मान करते हैं और मुझे खुशी है कि खेल क्षेत्र को महत्व दिया गया है और खेल क्षेत्र को आगे लाने की लगातार इस सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। इसी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। हम देख रहे हैं कि खेलों के क्षेत्रों में तमाम महिलाएँ भी आगे आ रही हैं और पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं भी आगे आ रही, ये देखकर मुझे अच्छा लगता है। बजट में भी जिस तरह से खेल के क्षेत्र में बजट को ज़्यादा विस्तार दिया गया है भारत सरकार द्वारा, उससे पता चलता है कि खिलाड़ी क्या होते हैं, देश के स्वास्थ्य के प्रतीक होते हैं और जब हमारा प्रतीक ऊर्जावान लगता है तभी देश आगे बढ़ता दिखाई देता है। तो मुझे खुशी है कि देश का बजट बढ़ाया जा रहा है खेलकूद का और इसी से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि ये देश खिलाड़ियों की और सबसे बड़ी बात गुणीजनों की परवाह करता है। सर, क्या सक्रिय राजनीति में आएंगे सदस्यता के बाद? नहीं, सक्रिय राजनीति में आने की उतनी ज़रूरत नहीं जितने की मेरी जो उम्र अभी जो इस समय है वो दूसरों को प्रेरणा देने की है। अभी ऐसा वक्त है जब लोगों को हिंदी भाषा की तरफ, जैसे मैं हिंदी कमेंटेटर हूँ, मैं चाहता हूँ कि हिंदी भाषा की तरफ प्रोत्साहन दूँ, लोग हिंदी भाषा की तरफ जुड़े। आज हिंदी भाषा को लोग भूलते जा रहे हैं और मुझे खुशी कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरफ बहुत ध्यान है कि देश की भाषा सुधरे। देखिए, देश की भाषा जब गलत ढंग से इस्तेमाल होती है ना, तो हमेशा मैं कहा करता हूँ कि हिंदी भाषा किसी भी देश की राष्ट्रभाषा का उसके संस्कारों से संबंध रहता है। जब खराब भाषा खराब होती है तो संस्कार दूषित होते हैं। जैसा कि सुकरात ने भी कहा कि किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसकी भाषा को खराब करिए। तो मैं चाहता हूँ कि देश की भाषा के साथ न्याय हो। देखिए, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी सही बोली जाती है, पाकिस्तान में उर्दू सही बोली जाती है, चीन में मैंडारिन सही बोली जाती है, लेकिन भारत ही ऐसा देश है जहाँ हिंदी गलत बोली जाती है। मतलब हिंदी भाषा के साथ अन्याय होता है, व्याकरण की दृष्टि से गलत बोली जाती है। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि क्योंकि संस्कार अगर बिगड़ेंगे नई पीढ़ी, देखिए हिंदी आप किसी भी स्कूल में जाते हैं ना तो लोग हिंदी के 5 वाक्य सही नहीं लिख पाते, अंग्रेज़ी तो लिख पाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हिंदी के प्रति जो सरकार की बात, सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको मैं आगे बढ़ाऊं और उसकी तरफ लोगों का ध्यान खींचूं और खेलों की तरफ खिलाड़ियों को प्रेरित कर सकूं। राष्ट्रभाषा में जब बात करते हैं ना तो दिल से बात निकलती है और दिल को छूती है, और जब दिल को छूते हैं तो बात आगे बढ़ जाती है। यही हमारी कोशिश रहेगी।